सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर शॉर्ट वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं फिर से एक इंटरनेशनल टोबैको ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी, लिटिल बिट फेमस। अगर आपने जर्मन ब्लॉगर्स को देखा होगा रील भी बनाते हुए, तो के विसल हो गए, अपना शीशा फॉर एवरीवन हो गए हैं, या फिर अपने शीशा नोयल चाचा, उन्होंने भी काफ़ी बार ये वाला ब्रांड दिखाया है। तो द फर्स्ट टाइम हुक बस एंड एनीवन इन इंडिया इज रिव्यूइंग बेसिकली अ जर्मन ब्रांड व्हिच इज द हुकेन। हुकेन ये वाला ब्रांड आपने कभी देखा है? पफन स्टफ इज डूइंग अ फैबुलस जॉब। पहले ट्राइफेक्टा, उसके बाद द वर्ल्ड क्लास टेंजियर्स, and now Hukane basically. So basically Hukane is a German blonde leaf shisha brand. और हमको नहीं पता कि हमने रशियन ट्राई किया है, इंडियन तो हम करते हैं राइट, रोज़ाना इंडियन ट्राई करते हैं। जॉर्डन वाला ट्राई किया है मैंने, US style of making tobacco ट्राई किया है, मिडल ईस्ट का जो सीरिया वीरिया वहाँ का style of making tobacco ट्राई किया है। ऑलमोस्ट Hukane has covered a lot of countries who are dealing with shisha, but For the first time, we are trying a German tobacco. So, ये वाला जो मैंने ऑर्डर किया वो एक ही डब्बा किया है, देखते बहुत ज़्यादा पसंद आएगा मुझे तो we, I'm gonna load up the order. So, इसका नाम है Lemoncia. Lemoncia, देखने से तो लग रहा है कि lime lemon, icy lemon, icy lemonade, वैसा टाइप का कोई फ्लेवर है। तो चलिए फिर एक काम करता हूँ, मैं कैमरा डाउन करके आपको मैं रिव्यू बताता हूँ पैकिंग टबैको कट। जैसे मैं आपको तो पता है मैं कैसे काम करता हूँ राइट, टबैको कट कैसे पैक करना है। टुडे वी गोना यूज आवर ओन, बहुत दिन से मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, द मून, दिस हेक्सागन शेप मून बाउल, और क्लाउड में पीऊँगा, बिकॉज पहले क्लाउड में पी के देखते अगर हीट बर्दाश्त कर ले तो प्रोपोज में ट्राई करेंगे। तो चलिए फिर क्विकली मैं टबैको कट और पैकिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए फिर हुकेन टबैको को खोला जाए। ओह माय गॉड, एक बार मैंने इसे स्मेल कर लिया था खोल के बेसिकली, एंड टुडे वी गोना रिव्यू द Hukane Lemoncia। तो अब टबैको कंसिस्टेंसी आपको मैं जार में ही दिखा देता हूँ कि टबैको कंसिस्टेंसी कैसा है इसका। इट लुक्स सॉफ्ट लीव्स, जो टबैको के जो लीव्स है वो लिटिल बिट ऑन द सॉफ्टर साइड मुझे लग रहे हैं इसमें, एंड कट भी मीडियम से स्मॉल है। सो इट्स बेसिकली नॉट वेरी स्मॉल कट, बट इट्स अ मीडियम स्मॉल कट, यू कैन से लाइक दैट, वैसा है। चलिए फिर इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं हम लोग यहाँ पे रख के, लेट मी पुट माय स्केल ऑन। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस वाले बोल में हम लोग पैक करने वाले हैं, और मी गोना यूज द क्लाउड लोटस फॉर दिस। तो हम लोग इसको ऐसे थोड़ा सा, आई थिंक सो ये वाला बोल भी कुछ 15-16 ग्राम ही लेता है, तो 16 ग्राम से हम लोग ट्राई करेंगे। खुशबू तो बहुत ही, 16 नहीं थोड़ा ज़्यादा लेते हैं बिकॉज स्मॉल कट, बाद में डाल देंगे। एंड खुशबू में तो बहुत अच्छी लेमन आ रही है, बट एक स्वीटनेस भी आ रहा है मुझे। सामने से आपको दिखा देता हूं टबैको कट कैसा है इसका। आप देख सकते हैं यहां पे इट इज स्मॉल कट एंड डाइस्ड कट है। आई वुड से डाइस कट इज लाइक अ स्क्वायर काइंड ऑफ कट है, बहुत ज्यादा गीला है, इट इज वेरी वेरी वेट। तो ऐसे एक थोड़ा जो आपको वेट टबैको होता है उसको कैसे पैक करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। डोंट एवर रिमूव और बेसिकली सोक द जूसेस ऑफ योर टबैको, टबैको जूसेस को सोक मत कीजिए, उसका पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है, उसका लॉन्जिटिविटी में काफ़ी इफेक्ट पड़ जाता है, और उसके फ्लेवर प्रोफाइल में भी काफ़ी फर्क पड़ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, एज यू नो कि अगर मैं क्लाउड में भी करता हूँ तो या तो एडवांस फ्लफ करूँगा या तो सक्शन कप करूँगा, तो सक्शन कप के लिए भी हमको एडवांस फ्लफ तो करना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक सो दिस विल, ये टबैको खड़े नहीं होंगे आफ्टर एडवांस फ्लफ। तो हम लोग फोर फिंगर ट्विस्ट मेथड से बहुत अच्छे से इसको फ्लफ कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ जो ओवर जूसी टबैको होता है, दिस इज ऑल ओवर जूसी टबैको, ओके, जिसमें जूस की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, उसको जब हम ऐसे फोर फिंगर ट्विस्ट मेथड ये सब करते हैं तब क्या होता है, जो जूसेस हैं वो थोड़ा सा टबैको के अंदर घुस जाता है। तो अगर आप Hukane पीते हैं, अगर Hukane पिया है, आई नो बहुत जन ने पिया है, आई वॉज लेट इन मेकिंग द वीडियो बिकॉज बहुत सारे टाइप ऑफ टबैको सबको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी था, एंड Hukane आई केप्ट एट द लास्ट बिकॉज सब पी चुके हैं, पीपल नो Hukane कैसा टेस्ट करता है।
सो लॉट ऑफ पीपल हैव गिवन मी पॉजिटिव रिव्यूज इन द डीएम एज वेल एंड ऑल्सो टू पफ स्टफ। बट हम लोग आज पी के हमारा रिव्यू देंगे कि क्या सीन है भाई। और बिल्कुल भी भाई देखिए चिपचिपा नहीं है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। ये मुझे याद दिला रहा है स्टारबक्स का, बेसिकली जिसमें जो स्वीटनिंग एजेंट यूज़ किया गया है वो बेसिकली नॉट एग्जैक्टली हनी, बट दिस इज सम अदर काइंड ऑफ स्वीटनिंग एजेंट। हनी होता तो थोड़ा चिपकता। अब देखिए एडवांस फ्लफ करने के बाद कैसे ये टबैको फूल गया है, राइट। तो मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा एडवांस फ्लफ किया है चॉपिंग बोर्ड पे। आई नो एडवांस फ्लफ मैंने बताया था कि बॉल में पैक करके वापस डालो, बट ऐसे भी आप कर सकते हैं। दैट वॉज द बेसिक मैथड, दिस इज द प्रो मैथड। तो चलिए फिर बॉल में हम लोग डालते हैं। सिंस इट्स अ हम लोग क्लाउड यूज़ करने वाले इसमें, तो पैकिंग थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा बिकॉज क्लाउड हैंडल्स हीट वेरी वेल। प्रोवोस इज फुली मैनुअल थिंग, इट्स लाइक अ मैनुअल कैमरा। प्रोवोस्ट इज लाइक अ मैनुअल कैमरा भाई, तो उसको काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग का जरूरत पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन का जरूरत पड़ता है। देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इट इज गोल्डन येलो। अब मैंने ये जो किया है दिस इज कॉल्ड एज द एडवांस्ड फ्लफ पैक। एडवांस फ्लफ अभी हम एक काम करेंगे, मतलब ये वाला थोड़ा ओवर जूसी टोबैको है तो इसको एक और फ्लफ का ज़रूरत पड़ेगा, एंड वी गोना पुट, तभी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और बहुत अच्छे तरीके से खड़ा होगा। तो क्या होता है भाई कि टोबैको होता है, टोबैको के आसपास जूसेस होते हैं, राइट। अगर जूसेस बहुत ज़्यादा होंगे तो टोबैको को खड़े होने में डिफ़िकल्टी होती है। सो दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन। अगर कोई ये सपोज ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बीच में अगर कोई लिक्विड रहेगा तो ये फिसलेगा, एक दूसरे पे ऐसे खड़े नहीं रहेंगे। बट इफ़ यू रिड्यूस द फ्रिक्शन दैट मींस द जूसेस गो इनसाइड बेसिकली एंड अंदर आ जाते हैं और बाहर का सरफेस थोड़ा रफ हो जाता है। तो टोबैको लीव्स, जस्ट इमेजिन दिस इज अ टू टोबैको लीव्स, उसको फ्रिक्शन उसका जितना कम होगा उतना वो एक दूसरे के ऊपर खड़ा रह सकते हैं। तो हम लोग वही कर रहे हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एडवांस फ्लफ पैक। और हम लोग एक स्टेप आगे कर रहे हैं, तो यू कैन से दिस इज एन एडवांस फ्लफ प्लस। तो हम लोगों ने उसको और फ्लफ कर दिया है थोड़ा। अब देखिए डिफरेंस जैसा मैंने निकाला था अपने डब्बे से उसमें और ये वाले फ्लफ में कितना भाई साहब डिफरेंस आ जाता है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको पूरी अच्छी तरीके से पैक कर लिया है, क्लाउड के हिसाब से पैक किया है। तो थोड़ा हल्का सा रेज्ड है इसमें, एंड दिस इज I think so. This is, as per the tobacco cut, this has become kind of a little bit like semi-dense. Not exactly semi-dense, but exactly I've tried my best to make it semi-dense. Aur ye semi-dense mein bahut acha perform karega, I'm pretty much sure, because of the tobacco cut, because of the tobacco size and the diciness of the tobacco. तो अगर आप हुकेन पीते हैं और ऐसे बोल में पीते हैं तो semi-dense कीजिए। I would say don't do a very very light fluff. Do a bit. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली सेमिडेंस, बट जो आपका नॉर्मल होता है उससे एक ग्राम ज़्यादा लेके थोड़ा इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। चलिए फिर मैं काम करता हूँ, क्लाउड लगाता हूँ, हुका लगाता हूँ, एंड आपको इसके टेस्ट प्रोफाइल और परफॉर्मेंस के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ भाई साहब। तो हुका हमने लगा दिया है बेसिकली, एंड गर्म हो चुका है चिलम। लेट्स टेक अ पफ एंड अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द फ्लेवर। देखते हैं, फर्स्ट टाइम अ जर्मन ब्रांड। Wow, look at the clouds, look at the clouds, man. और दूर से दिखाता हूं, काफी इंप्रेसिव आ रहा है। अमेजिंग, वाओ। टेस्ट प्रोफाइल की बात करता हूं, टेस्ट प्रोफाइल में कैसा लग रहा है। फ्लेवर नोट जो है बहुत ज्यादा पंजेंट नहीं है, इट इज मीडियम लाइट। इट वॉज नॉट एज लाइट एज अ स्टारबक्स, स्टारबक्स जितना लाइट नहीं है, बट इट इज़ मीडियम लाइट बेसिकली। बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग नहीं है। लेमन आ रहा है, ये बाहर का जो लेमन होता है वो थोड़ा अलग होता है, पता है आपको, राइट। इफ़ यू मतलब इंडिया का जो लेमन होता है, इंडिया का जो लाइम होता है उनका लेमन होता है, राइट। तो थोड़ा हल्का मीठा मीठा है, हल्का मीठा मीठा है। इट इज़ लाइटली रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ अ स्वीट। लाइम है और ओवरऑल मिक्सर बहुत अच्छा लग रहा है। हल्का ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, इट इज़ मीडियम ठंडा, आई वुड से मीडियम कोल्ड। लाइम आ रहा है, लाइम का बहुत अच्छा पंच आ रहा है, बट काइंड ऑफ अ स्वीट लाइम, मुझे स्वीट स्वीट लाइम जैसा लग रहा है ये।
अल्फा अगर सुपर लेमन मिंट कैसे खट्टा लगता है, वैसे खट्टा नहीं लग रहा है। एंड आई एम गोना टेक अ पफ राइट नाउ, इट्स अ न्यू काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, न्यू काइंड ऑफ अ फ्लेवर प्रोफाइल फॉर मी इन लेमन कैटेगरी। वाओ, सुपर थिक क्लाउड्स, मस्त से बहुत अच्छे क्वालिटी का ग्लिसरीन यूज किया है। तब भी इसमें मैं लंबा लंबा ड्रैग ले पा रहा हूं, आप ड्रैग का ड्यूरेशन देखिए एक बार। क्लाउड पे 3 कोल है बट जरा भी ओवर हीट नहीं हो रहा है, मस्त है यार, बहुत ही रिफ्रेशिंग टेस्ट है। बेसिकली यू आर ऑन अ बीच एंड यू आर स्मोकिंग दिस, बहुत मजा आएगा आपको, स्पेशली दिस फ्लेवर्स। हुकेन के तो बहुत सारे फ्लेवर प्रोफेशन स्टफ के पास आए हैं, आने ही वाले हैं, सुना है लगातार आएंगे। सो मेक श्योर यू स्मोक दिस हुकेन फ्लेवर लाइट ब्लॉन्ड। किक की बात करूँ तो कोई खास ऐसा किक नहीं लग रहा है, बट देर इज़ अ फील गुड फैक्टर, देर इज़ अ फील गुड फैक्टर जो मुझे हल्का सा लग रहा है दिमाग में, देर इज़ अ फील गुड फैक्टर विच वॉज मिसिंग इन स्टार्स बाय द वे, बट दिस हैज दिस। और अफजल जैसा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है उसमें निकोटीन इसमें लग रहा है मुझे, बट ना अल्फा का जैसा है, बट मीडियम लेवल का है, लाइट फ्लेवर है और रिफ्रेशिंग टेस्ट आ रहा है काफ़ी। और स्मोक देख लीजिए भाई एक बार, लंबा लंबा पफ ले रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, अमेजिंग, जरा भी ओवर हीट नहीं। एंड जब मैं पफ ले रहा हूं, मैंने एक चीज नोटिस किया, जब मैं इसको पफ ले रहा हूं एक स्मूथनेस है इसमें। मतलब क्या होता है कि व्हेन यू बेसिकली इनहेल, व्हेन यू पुल हार्ड और जैसे भी आप पुल करते हो, तो कभी कभी क्या होता है टबैको हीट स्पाइक होता है, वैसा नहीं हो रहा है for somehow this is because of the tobacco quality, the virginia tobacco that's being used in the hukane, amazing, zara bhi heat spike nahi ho raha hai aur bahut hi smooth aa raha hai, aapko pata hoga smooth ehsaas kaise hota hai, smooth pulling kya hota hai ki aapko jo dhuan hai wo smooth aa raha hai, zara bhi heat spike nahi ho raha hai, german log hai bhai, precision se kaam karte hai, precision se, aur hukka tobacco, german engineering you know well right, hukka tobacco bhi ये वाला तो एटलीस्ट काफी अच्छे प्रिसिशन से बनाया है। आई विल टेक अ ड्रैग, वाओ, अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये और भी हीट होगा, और भी ज्यादा स्मोक छोड़ेगा, बट अभी तो स्मोक एकदम परफेक्ट आ रहा है, कमाल का आ रहा है। आई एम गोना ऑर्डर इट अगेन मैन, आई एम गोना ऑर्डर इट। सो ऐसे बहुत सारे फ्लेवर्स, अलग अलग फ्लेवर्स आए, बबल चिया क्या क्या नाम है, थोड़ा अलग टाइप का नाम है, प्रोनाउंसिएशन करने में डिफिकल्ट होता है, बट थोड़ा बहुत आप फोटो देख के समझ जाएंगे कि क्या है इसके अंदर। पफेट सबके पास शायद है अभी स्टॉक में थोड़ा बहुत, और भी आने वाला है, यू मस्ट ट्राई दिस, हुकअप आई स्ट्रांगली रिकमेंड द हुकेन टबैको। हुकेन के बारे में मुझे किसी और से पता चला था, बट हुकअप इज द फर्स्ट वन टू रिव्यू इट, राइट। तो चलिए फिर, मैं तो अपना हुक सेशन बहुत अच्छी तरह से इन्जॉय कर रहा हूँ, माई माइंड इज गेटिंग रिफ्रेश्ड। आप अपना क्वेश्चन एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम को बेस्ट फ्रेंड को जाके फॉलो कर दीजिए, और मैं आपको मिल रहा हूँ फिर किसी अगले वीडियो में।